अब योगाभ्यास हम लोग कर चुके हैं, अब सूक्ष्म व्यायाम हम लोग कर रहे हैं, तो ये 5 मिनट में पूरा हम लोग कर लेंगे, हाथ का और पैर सभी का, सबको हम बता चुके हैं। एक बार पुनरावृत्ति खाली करेंगे ताकि समझ जाएं कि कहाँ से शुरू करेंगे। दोनों हथेली को कमर के पास और ये पैर को हम लोग उंगली को मोड़ेंगे इसमें। ठीक, पैरों को ऐसे दो दो बार करिएगा सब, बस इसमें से उठा लेंगे भैया, तो आप उसमें से उठ जाए, इसमें आज लाइन बराबर अच्छा लाइन है, आप ठीक हम उठ जाए, एक तो बात नहीं से आप इसको गोल गोल घुमा लीजिए, पैरों को दोनों तरफ से घुमा लीजिए, बस एक एक बार घुमाइए, इसके बाद एक एक पैरों को मोड़िए, ये दोनों पैरों को मोड़ लीजिए ऐसे, फिर इसको गोल गोल घुमा लीजिए ऐसे, फिर आगे से पीछे से, फिर दूसरे पैर से भी कर लीजिए। जिनको घुटने में दर्द है तो ये घुटने के ऊपर जो हमारा चक्री होता है उसको खींच लीजिए इसे, दो बातें बाद अब पैर को मोड़ लीजिए और दो दो बार सब कर लीजिए अभ्यास। जिनको घुटना दर्द है, एड़ी दर्द है, कमर दर्द है, उस सबके लिए फिर पैर सीधा कर लीजिए, फिर बाएं को मोड़िए और बाएं वाले का अभ्यास कर लीजिए दो बार तीन बार, फिर इसको एड़ी को आगे आगे ले गए, फिर एड़ी को दोनों तरफ से दो दो बार हम घुमा लिए, इसके बाद थोड़ा बटरफ्लाई कर लिए, बटरफ्लाई करिए, पैरों को ऊपर नीचे कर लीजिए, ये गर्भवती माँ बहन को 7वें महीने से भी करवाते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होता है, ये वाला जो हम लोग कर रहे हैं आसन। आइए पैर मोड़ लीजिए, हाथों का शुरू कर दीजिए, फिर अंगूठा अंदर लेके मुट्ठी बांधिए, फिर गोल गोल घुमा लीजिए ऐसे ऐसे, फिर उल्टा घुमा लीजिए, हाथ सीधा रहना चाहिए आप लोगों का, तब क्यों नहीं मुड़े, फिर बाएं दाएं करिए, फिर ऊपर नीचे करिए, फिर ऐसे ऐसे मोड़ लीजिए, फिर हाथ खोल लीजिए, फिर ऐसे मोड़ करके और दो दो बार, फिर उल्टा कर लीजिए, फिर हथेली को घुटने पर रखिए, आगे से फिर इसको उल्टा कर लीजिए, फिर गर्दन का करिए, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर दाहिनी तरफ, फिर बाईं तरफ, फिर थोड़ा सा तिरछे कर लीजिए ऐसे बाएं तरफ से, फिर दाएं तरफ से, और दो दो बार गोल गोल घुमा लीजिए ऐसे, फिर उल्टा घुमा लीजिए, क्या हम बुरा पिए